गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल साहू साइंस क्लासेस। मैं हूँ आपकी नीरू मैम। और जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 10 में चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट, या फिर अम्ल क्षार और लवण। और उसी में हम रासायनिक गुण पढ़ रहे थे अम्ल क्षार के। तो आज हम रासायनिक गुण में नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। नंबर 2 है धातु कार्बोनेट के साथ अम्ल और क्षार की अभिक्रिया। ठीक है, क्या? धातु कार्बोनेट के साथ अम्ल और क्षार की अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये धातु कार्बोनेट है क्या, और उसके बाद हम इसके रिएक्शन को कंप्लीट कराएंगे। सबसे पहले ये जो धातु है, ये धातु है क्या? धातु कोई सी भी हो सकती है, जैसे कि आपका सोडियम सोडियम धातु है, पोटेशियम पोटेशियम भी धातु है, कैल्शियम कैल्शियम भी धातु है, मैग्नीशियम, ये सब धातु है। तो धातु कोई सी भी हो सकती है। ठीक है, धातु के बाद आता है नेक्स्ट आपका कार्बोनेट। तो कार्बोनेट क्या होता है कि जब आप CO3 और उसके ऊपर 2 नेगेटिव का चार्ज लगा देते हैं, ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है, तो इसे हम कहते हैं कार्बोनेट। क्या कहते हैं? कार्बोनेट। जब आप CO3 के ऊपर 2 नेगेटिव का चार्ज लगा देते हो, तब इसको कहते हैं कार्बोनेट। और जब कोई धातु किसी कार्बोनेट के साथ क्रिया करती है, तो वो बनाती है धातु कार्बोनेट। क्या बनाती है? धातु कार्बोनेट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि हमने सोडियम लिया, सोडियम की वैलेंसी होती है, सोडियम के ऊपर +1 का चार्ज आता है, और कार्बोनेट के ऊपर -2 का चार्ज आ रहा है। तो आपको पता है कि ये वैलेंसी और ये वैलेंसी हमें बराबर करनी होती है। तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे? Na के 2 मॉलिक्यूल्स ले लेंगे। जब हम Na के 2 मॉलिक्यूल्स ले लेंगे या 2 एटम्स ले लेंगे, तब इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? Na, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? Na+1 और Na+1, तो दोनों मिलाकर +2 हो जाएगा, और ये भी -2, मतलब कि बराबर हो जाएगा। तो चार्ज बराबर करने के लिए हम यहाँ पर Na ले लेंगे कितना? 2, और उसके साथ हम CO3 की रिएक्शन करा देंगे। तो ये बन गया सोडियम कार्बोनेट। क्या बन गया? सोडियम कार्बोनेट। इसे क्या बोलते हैं हम? सोडियम कार्बोनेट, या फिर आप शॉर्ट में धातु कार्बोनेट बोल सकते हैं। ऐसा ही हम कैल्शियम के साथ कर सकते हैं। कैल्शियम की वैलेंसी होती है +2 और कार्बोनेट की होती है -2, तो इसमें हमें कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, दोनों बराबर हो गए। और CaCO3 जब हम लिख देते हैं, तो ये बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो इनको हम बोल देते हैं धातु कार्बोनेट। क्या बोल देते हैं? धातु कार्बोनेट। तो इस तरीके से अब आपको धातु कार्बोनेट समझ आ गया होगा कि धातु कार्बोनेट क्या होते हैं। अब हम धातु कार्बोनेट की अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया देखते हैं। अम्ल आप सबको पता है क्या होते हैं, जो जल में घुलने पर H+ आयन देते हैं, और क्षार क्या होते हैं, जो जल में घुलने पर OH- आयन देते हैं। प्रबल अम्ल क्या होते हैं, प्रबल क्षार क्या होते हैं, ये भी मैंने अपनी पहले वाली वीडियोज़ में बताया है। तो आप 10th क्लास की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं चैनल में, और उसके बाद आपको वहाँ पर 10th क्लास के एसिड बेस और ये वाले सॉल्ट वाले चैप्टर की इससे पहले वाली वीडियोस भी मिल जाएंगी। तो आप उन्हें पहले ध्यान से देखिए, तभी आपको ये समझ आएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो हम रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं, उसमें हम सेकंड पढ़ रहे हैं। आपको ये पीछे वाले के आगे ही काम को कंप्लीट करना है। तो इसमें हमारा टॉपिक है आज धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। तो मैंने आपको धातु कार्बोनेट समझा दिया कि वो क्या होता है। अब हम पहले अम्ल के साथ अभिक्रिया पढ़ेंगे, फिर हम क्षार के साथ अभिक्रिया पढ़ेंगे। तो अम्ल के साथ क्या होता है कि अम्ल के साथ जब अम्ल धातु कार्बोनेट से क्रिया करता है, जब कोई भी अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है, तो रिएक्शन कर वो एक तो लवण बनाता है। क्या बनाता है? लवण, या जिसको हम सॉल्ट बोलते हैं, तो लवण बनाता है। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालता है, ठीक है, और तीसरा जल बनाता है। तो ये तीन चीज़ें बनाता है। जब भी धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ क्रिया करता है, तो तीन चीज़ें बनाता है। क्या क्या बनाता है? एक तो आपका लवण बना रहा है, दूसरा आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहा है, और तीसरा आपका जल बना रहा है। तो इस तरीके से जब हम देखते हैं कि HCl ने जब Na2CO3 के साथ रिएक्शन किया, तो एक तो लवण बना कर दिया, एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना कर दी, और एक H2O बना कर दिया। अब कैसे दिया वो भी हम देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ दे रखा है 2HCl, और इसकी रिएक्शन इन्होंने कराई है Na2CO3 के साथ। नीचे चेक कर लो, यही दे रखा है इसके अंदर, ये दिखाई दे रहा है आपको। तो यही रिएक्शन हम फिर से समझ लेते हैं। तो ये है आपका 2HCl, और यहाँ है आपका Na2CO3। और जब मैं इस पूरे को ब्रेक करूँगी, तो ये ब्रेक कुछ इस तरीके से होगा कि यहाँ पर आ जाएगा आपका 2H+, ये टूट जाएगा 2H+ में, ये टूट जाएगा
टू सी एल माइनस में, किस में टूट जाएगा, ये टूट गया आपका टू एच प्लस में, ये टूट गया आपका टू सी एल माइनस में, तो इस तरीके से ये ब्रेक हो गया। इसके बाद जब हम इसकी बात करें तो ये ब्रेक हो जाएगा कुछ एन ए प्लस में, टू एन ए प्लस में, और ये ब्रेक हो जाएगा आपका सी ओ थ्री टू माइनस में। अब आप कहेंगे कि मैम आपने ऐसे कैसे ब्रेक कर दिए, तो ये आप लोगों ने नाइन्थ क्लास में सीखा था कि हम क्रॉस वैलेंसीज लेते हैं। क्रॉस वैलेंसीज मतलब जो इसके नीचे लगा है वो इसके ऊपर पॉजिटिव में आ जाएगा, और जो इसके नीचे लगा है, यहाँ लगा है एच के नीचे, वो सी एल के ऊपर नेगेटिव में आ जाएगा। तो ऐसा ही मैंने किया है, ये आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एच के नीचे क्या लगा हुआ है, एच के नीचे यहाँ पर एक लगा है, मतलब कुछ नहीं लगा तो एक लगा है, तो मैंने सी एल के ऊपर एक नेगेटिव का चार्ज लगा दिया। यहाँ सी एल के नीचे कुछ नहीं लगा है मतलब एक लगा है, तो मैंने एच के ऊपर भी एक पॉजिटिव का चार्ज लगा दिया, और क्योंकि इनके आगे दोनों के आगे दो लगा हुआ था तो मैंने दोनों के आगे दो लिख दिया। इसके बाद एन ए के बारे में अगर हम बात करें तो एन ए में यहाँ पर सी ओ थ्री के नीचे आपको दिखाई दे रहा है कि कुछ भी नहीं लगा है, ये जो थ्री लगा है वो ऑक्सीजन के साथ है, पूरे के साथ में कुछ भी नहीं लगा है। जब कुछ नहीं लगा है तो इसलिए मैंने सोडियम के ऊपर एक पॉजिटिव का चार्ज लगा दिया, और Na के नीचे टू लगा हुआ है तो इसलिए मैंने CO3 के ऊपर टू नेगेटिव का चार्ज लगा दिया। तो इस तरीके से हमने इन्हें ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक करने के बाद हम करेंगे क्या कि हम आगे वाले के पॉजिटिव को पीछे वाले के नेगेटिव पे, और पीछे वाले के नेगेटिव को आगे वाले के पॉजिटिव पर लेकर आते हैं, ये सबको पता है। तो अब मैंने क्या किया कि ये जो Na था ये यहाँ का पॉजिटिव है, मैं इसे दूसरे वाले के नेगेटिव पे लेकर गई। तो जब मैं नेगेटिव पे लेकर गई तो ये भी दो है और ये भी दो है, इसके ऊपर एक पॉजिटिव का चार्ज है, इसके ऊपर एक नेगेटिव का चार्ज है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बन गया आपका 2NaCl, जिसको आप लवण कहते हैं। ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद यहाँ एक और रिएक्शन होती है, और वो रिएक्शन क्या होती है कि ये आपको जो CO3 दिखाई दे रहा है ये टूटता है, ये एक बार और टूटता है, और ये किस तरीके से टूटता है कि ये टूटकर आपको CO2 गैस देता है। क्या देता है? CO2 गैस। तो दूसरा मॉलिक्यूल क्या बन गया? CO2 गैस, ठीक है। उसके बाद जब आपने CO2 बना दिया तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन बचा, क्या बचा? एक ऑक्सीजन। और ये जो एक ऑक्सीजन है, अब ये एक ऑक्सीजन क्या करेगा कि ये जो एक ऑक्सीजन है वो यहाँ जाएगा हाइड्रोजन के पास। कितने हाइड्रोजन है? दो। कितने हाइड्रोजन? दो। तो ये जो दो हाइड्रोजन है ये इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे, और जब दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बना देते हैं? H2O, जिसको आप कहते हो जल। क्या बना दिया? H2O, जिसको आप कहते हो जल। एक बार फिर से देख लो कि जब आप इसे ब्रेक करोगे तो ब्रेक करने पर ये आ जाएगा 2H प्लस, ये आ जाएगा 2Cl माइनस, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 2Na प्लस, ये आ जाएगा आपका CO3 टू नेगेटिव का चार्ज, ठीक है। अब ये वाला जो Cl है वो क्या करेगा, ये वाला जो Cl है वो जाएगा इस Na के पास और ये बना लेगा NaCl, क्योंकि दोनों के आगे दो दो लग रहा है तो इसलिए इसके आगे भी हमने दो लगा दिया। इसके बाद मैंने आपको बोला कि ये जो CO3 है ये फिर से टूट जाती है और ये आपको देती है CO2, तो ये इस तरीके से यहाँ पर CO2 बन गया। इसके बाद अभी क्योंकि यहाँ पर तीन ऑक्सीजन थे ना, दो ही तो निकले हैं, तो एक ऑक्सीजन बचा, एक ऑक्सीजन बचा और यहाँ पर बचा दो H बचे, तो एक ऑक्सीजन और दो H मिलकर क्या बना लेंगे? H2O, जिसको आप बोलते हो जल। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होती है कम्प्लीट। आई होप सबको समझ आई होगी, नहीं आई होगी तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, हम फिर से इस रिएक्शन को समझेंगे, ठीक है। इसके बाद ये आपकी कंप्लीट हुई अम्ल के साथ अभिक्रिया, कि जब धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, तो बनाते हैं लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। और मैं आपको अभी से बता दूँ कि ये जो रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बोर्ड्स के अकॉर्डिंग। इसके बाद अब बात आती है क्षार की, तो क्षार क्या करता है? क्षार धातु कार्बोनेट के साथ जब रिएक्शन करता है तब ये कुछ भी नहीं बनाता, कोई भी प्रोडक्ट नहीं देता, इसका मतलब ये धातु कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता ही नहीं है। तो सिंपल सा रिएक्शन है कि क्षार जो है वो धातु कार्बोनेट के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करते, जबकि अम्ल जो है वो धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करते हैं और अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं और जल बनाते हैं। तो इस तरीके से ये आपका अम्ल और क्षार का एक और रासायनिक गुण कंप्लीट होता है, जो कि है आपका धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। आई होप सबको समझ आया होगा, सब लोग ध्यान से पढ़िए क्योंकि ये आपका बोर्ड्स है और बोर्ड्स में बिल्कुल भी ढील देना गलत है।
चैनल के ऊपर पीछे वाली जो वीडियोस है वो भी पड़ी हुई हैं, फर्स्ट चैप्टर की भी वीडियोस पड़ी हुई हैं। फर्स्ट चैप्टर को पढ़िए, जो भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा वीडियो को फिर से देखो और फिर से देखने के बाद उसको समझो। नहीं समझ आ रहा तो कमेंट सेक्शन में बताओ, आपको फिर से समझाया जाएगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे जिसमें हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। टिल देन गुड बाय।